तो गाइस इसकी जो स्टोरी है, सब एवरीवन कैसे सब लोग, मेक श्योर आप सब लोग खुश रहेंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी मैं मेरे गांव में पहुंच गया, ये मेरा पुराना घर है और शी इज माय ग्रैंड माँ। अभी मेरे मैंने दिमाग में सडनली मैं जस्ट जस्ट मतलब जस्ट पहुंचा हूँ घर पे, टी शर्ट निकाला हूँ और शॉर्ट्स पे वैसे का वैसे ही। तो अभी जैसे ही निकाल के मेरे ख्याल में आया, मेरे को दादी बोली कुछ खाएगा ये, मैं बोला कुछ नहीं चाहिए मेरे सोना है, बस चाय पिला दो। तो माँ दादी ने चाय पिलाई तो मुझे उधर चीज दिखी, मतलब लिटरली वो इतनी पुरानी है जितना मेरे मेरे दादी ने मुझे बोला कि वो जब दादी मेरी छोटी थी तब की है। तो मतलब सोचो वो उतनी पुरानी चीज अभी भी मेरे दादी के पास है। मैंने मेरे दादी को पूछा और कुछ है क्या दिखा। अभी जो चीज दिखाने जा रहा हूँ ये सब लगा के, क्योंकि ये अभी मेरा घर नीचे है तो मैं अभी जाऊंगा इस सीढ़ी से ऊपर, तो मुझे ऊपर जाके ना कुछ दिखेगा नहीं, शायद वीडियो का क्वालिटी कम आएगा, थोड़ा कम दिखेगा, बट मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से दिखाओ सब। आपको ये बता देता हूँ ऊपर क्या रखा है। ऊपर एक ऐसी चीज है जो मेरे दादी के पापा ने हाथ से बनाई थी वो टाइम पे, मतलब लिटरली सोचो बहुत पुरानी चीज है वो भी। वो उसको चौरंग बोलते हैं, हम लोग में तो चौरंग बोलते हैं, भगवान को कुछ त्योहार रहेगा तो उसमें हम बोलते हैं ना गणपति जी लाते घर पे तो चौरंग पे रखते हैं वैसा सब। तो अभी मैं जाके दिखाता हूँ आपको, अभी दिखेगा कि नहीं पता नहीं, बट मेरे से जितना होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये आया, ये का है, ये मिट्टी का है, लिटरली आप देख सकते हो इसका आवाज भी इतना अच्छा। ओह शिट गाइस लुक एट दिस, इसको बोलते चौरंग। ये ओल्ड स्कूल है, ओल्ड स्कूल मतलब लिटरली पूरा ओल्ड स्कूल है ये देख सकते हो कितना पुराना है ये सब देख के आपको समझ में आ जाएगा कितना पुराना है ये, देख लो। मेरी दादी कह रही है 100 साल के भी पहले का है, मतलब 100 साल से भी पहले का है। ये चश्मे का है, मतलब मेरे दादी के पापा ने बनाया जब मेरी दादी नहीं, आजो नहीं, पापा नहीं, आजो बनी। मतलब तुझे पन आजो बनी। हाँ। अरे डूड अभी पता चला मेरे मेरे को लग रहा था, मतलब पहले दादी ने बोला तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, सॉरी गाइस, बट अभी दादी बोल रही है कि उन मेरे दादी के दादा ने बनाया है इस चीज को, ये मेड इन इंडिया चीज है ये देख सकते हो आप कितना ओल्ड स्कूल है ये, मतलब लिटरली इसका डिजाइन। मेरी दादी ने तो बोल दिया मेरे को 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो गाइस देख सकते हैं मेरे दादी ने अभी भी सब बचा के रखा है। आया ये मातीची भांडी पण किती जुनी आहेत, म्हणजे अंदाज एक असेल तर सांग ना। तुझ्या आजोबांचे ह्याच्यातली आहेत, आपले आजोबांचे, हा मतलब ये मेरे दादी के जमाने के है, बट ये जब मेरी दादी यंग थी वो टाइम के जमाने की है। ये देखो गाइस इसमें मेरे दादी ने चावल रखे, गांव में सब ऐसा रखा जाता है हर एक चीज को, देखो गाइस ये जो चीज है वो आपको किसी घर में बहुत कम देखने को मिलेगी। और ये एक चीज है जिसमें से चावल, अभी चावल जिसमें से लेते हैं ये वो चीज है, ये चीज से चावल निकालते हैं। जैसे बोरी में चावल रहते तो चावल कैसे निकालेंगे, तो ये लकड़े का बना है, प्योर वुड का है ये। गाइस ये जो चीज है, आये माती चेत लाकड़ा चेत हे माती चेत। गाइस मेरी दादी बोल रही ये मिट्टी के है बर्तन, बट ये मिट्टी वाला उसमें कुछ लग रहा नहीं है क्योंकि ये मिट्टी वाला। आये कुठले माती चेत है, हे कुठली माती वापरली असेल, जरी माती सारखा आवाज नाही त्याला, मातीचीच आहे हे बघ, हा चिनी मातीच आहे।
ये चीनी माटी का है, ये भी मिट्टी का है, ये भी मिट्टी का है, इसके पीछे भी इतने सारे हैं, ये भी मिट्टी का है, ये इतना बड़ा है मिट्टी का, मेरे दादा ने सब बनाया हुआ है। अन यहाँ ये चप्पल है इतना, आई शपथ। वाव गाइस लुक एट दैट, आये शेतात वापरतात ना ते आपले दाढी बांधायला, म्हणजे पहिले काटेची राब असायची ना, हा दाढी भासताना ते घालायचं असतं चप्पल, दाढी भासा म्हणजे शेत जळवतात ते। गाईज इसकी जो स्टोरी आहे मीन्स ये हैंडमेड है, चप्पल है, लकड़ी का चप्पल है, हैंडमेड है, मेरे दादा ने बाबा ने बनवले की हाँ, तो ये मेरे दादा ने बनाया हुआ है, ये हैंडमेड चप्पल है। मतलब इसका यूजिंग कब होता है पता है गाइस, जब खेती जो असली खेती करनी होती है तब वो खेती में जो कांटे वाले पेड़ आ जाते, पौधे आ जाते, जब खेती नहीं करते कोई, जब खेती का सीजन बंद हो जाता है इधर गांव साइड में हमारे, जब वो खेती बंद होने के बाद जो काटेरी जो पौधे नहीं चाहिए होते खेत में, वो खेत जब हटाने होते ना तो वो खेत जलाने के लिए वो सब पैर में ना चुभे इसके लिए ये वाली चप्पल बनाई जाती। आया मी कधी तर येऊन आहे ना, माझा घर बनल ना चांगला वाला, त्याच्यामध्ये मी हिला फ्रेम मध्ये ठेवीन, ही ठेवा आया फेकू बिकू नको, जसे आता जपून ठेवलेस तसं ठेव, मी घेऊन जाईन। हे जो है अभी के जितने भी ऐसे जो इसको हम लोग में विली बोलते, इससे प्याज काटा जाता है, बहुत कुछ चीज काटी जाती है वेजिटेबल्स में, बट इसकी जो कला है मतलब ये बनाने की कला और इसकी जो ताकत है एज कम्पेयर टू अभी के जनरेशन में जो ये सब ऐसे जो बर्तन होते वो सब इनके सामने फेल है। अगर इन लोग को अभी भी रिनीफ कर देंगे ना तो ऐसे चलेंगे ना, बोल नहीं सकते, गले बिले काट देंगे। अभी जो आपने ऊपर चीजें देखी वो सब ओल्ड स्कूल, जो बड़ा वाला बक्सा टाइप था वो मेरे दादी के दादा ने बनाई हुई थी, मतलब सोचो कितना पुराना है वो चीज, तो वो चीज मेरे दादी के दादा ने बनाई है, और बाकी जो सब मिट्टी के जो बर्तन देखे ना आपने वो सब मेरे दादा ने बनाया, बट वो जब यंग थे वो टाइम पे बनाए देते, उनका तब शादी वादी शायद नहीं हो, तेव्हा लग्न झालेला आया नहीं, तो मतलब मैं सही था, मतलब उनका जब शादी भी नहीं होता तब उन्होंने बनाए थे वो सब बर्तन। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ओल्ड स्कूल चूल्हा जो गांव में होता है, ये जो है ना ये मेरी बचपन की, मतलब अभी भी बच्चा ही हूँ सबके सामने, मेरे दादी के सामने, माँ के सामने, बट मैं छोटा था उम्र से तो मैं इधर इतना मस्ती किया हूँ, इतने मेरी इधर मेमोरीज है, इसके लिए मैं आज ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ ताकि मेरी एक बचपन की मेमोरी चीज कभी भी जा सकती है वो चीज को मैं कैप्चर करना चाह रहा हूँ इसके लिए। तो ये जो चूल्हा है ना, इस चूल्हे की रोटी और गैस में बनी हुई रोटी, जमीन आसमान का फर्क है। इसके ऊपर बनाया जाता है और यही वो चीज है जिसको मुझे देख के आइडिया है, ये वो नाव का कुछ एक नाव का टुकड़ा ये जो फ्रंट साइड में रहता है नाव के, जिस तरफ नाव भागती है जिस तरफ नाव का फेस होता है वो साइड का टुकड़ा ये, और ये तो इससे मेरी दादी आटा निकालती है, और वो रहा ये चूल्हा जिसपे बहुत टेस्टी खाना बनता है। और भी कुछ चीजें थी बट मेरी दादी बोल रही थी कि अभी वो अवेलेबल तो नहीं है घर में, क्योंकि वो टाइम पे जब मेरे मौसी का शादी हो रहा था तब साफ सफाई में हम लोग के बहुत सारे चीजें ऐसे निकल गई थी, घर में से निकाल दी थी, तो क्योंकि मेहमान लोग आने वाले थे तो बहुत सारी चीजें, गांव में कैसा होता ना लोग बहुत कॉन्शियस होते वो चीज के लिए कि पुराना चीज उनका जाए ना, और उनके पास नया चीज लेने के लिए उतनी कैपेसिटी नहीं रहती थी एज कम्पेयर टू शहरों के लोगों से, तो हर एक चीज की अहमियत कम समझती थी कि ना गाँव में आके यही सीखने का मिलता है। इसके लिए मैं ना मैं बचपन से गांव में बहुत बार आता था, मैं मेरे मामा के घर पे भी जाता था, उनके पास काम करता था, फार्म हाउस पे मैंगो के ट्रीज पे चढ़ता था, आम निकालता था, आम की पेटियां पैक करता था, आम की पेटी पैक करके उसको उठाता था, आटा टन की पेटी भी उठाता था, बहुत कुछ करता था। मैंने बहुत सीखा भी है कि पैसे की वैल्यू भी होना चाहिए और चीज की कीमत भी होना चाहिए। इसके लिए पैंट भी जितनी भी फटी हो उसको सिला सिला के ही पहनूंगा जब तक वो पूरी ना फट जाए। Hey guys, bye bye, take care, good night.